सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हमारे पास है ओप्पो F5। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक और परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आइए टेस्ट करने से पहले इसका टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 21.3 डिग्री है और हम टेस्ट के बाद भी इसका टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे। इस परफॉर्मेंस टेस्ट में हम पहले गेमिंग टेस्ट करेंगे, 3 डिफरेंट गेम्स खेलेंगे और उसके बाद इसमें हम हाई डेफिनेशन वीडियो टेस्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर टेम्पल रन खेलेंगे। ये 70 MB की गेम है। अब देख सकते हैं ये गेम बहुत ही स्मूथली रन हो गई। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट गेम खेलते हैं। ये है एंग्री बर्ड एवोल्यूशन। ये अप्रॉक्सिमेटली 500 MB की है। तो आइए इसको प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये गेम कितने स्मूथली रन हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम थोड़ी सी हैवी गेम खेलेंगे। ये 900 MB की है। इसका नाम है नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स। तो आइए देखते हैं क्या ये डिवाइसेस को स्मूथली रन कर पाता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी गेम एकदम कंट्रोल में थी और हमने इसको बहुत ही स्मूथली प्ले किया। एंड मोस्टली हमारी सारी गेम्स 1 GB के अंदर ही होती हैं, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि आप इस डिवाइस के अंदर 90% ऑफ सारी गेम खेल सकते हैं। आइए इसका टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स की गेमिंग के बाद भी इसका टेम्परेचर सिर्फ 27.9 डिग्री राइज किया है। ये काफी नेग्लिजिबल राइज किया है, इतना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए अब हम इस पर वीडियो टेस्ट करते हैं, जिसमें पहले हम एक फुल HD वीडियो को रन करेंगे। आप देख सकते हैं ये वीडियो को आराम से प्ले कर रहा है और जब हमने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो भी ये वीडियो इजीली प्ले कर रहा था। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को रन करते हैं, जो कि एक 4K वीडियो है।
आप देख सकते हैं कि ये इस वीडियो को प्ले कर पा रहा है। ये बहुत स्मूथली नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट कर पा रहा है। मैंने काफ़ी सारे स्नैपड्रैगन और किरिन वाले डिवाइसेस को भी टेस्ट किया है। उन फोन्स के अंदर ये वीडियो रन नहीं कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मीडियाटेक में ये ऑलमोस्ट रन कर पा रहा है। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन के हिसाब से इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि आप इस डिवाइस के अंदर नॉर्मल सारी गेमिंग कर सकते हैं और साथ में आप इसके अंदर फुल एचडी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 से 4 GB वाली 4K वीडियो है तो आप उसको भी इजिली प्ले कर सकते हैं। जो हमने प्ले करी थी ये 8 GB की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।